जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 के बारे में। इसके बारे में दोस्तों आप लोगों के कुछ कमेंट थे जिनको कंसिडर करके ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। साथ ही यहाँ पर आपको एक सरप्राइज भी दिया जाएगा आपकी जानकारी को लेकर के, जो कि आपने अन्य वीडियो में कमेंट के माध्यम से पूछे है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो का थंबनेल देखा होगा तो मैंने इसमें आपको अपडेट किया कि मैं आपको एग्जाम के बारे में अपडेट करने वाला हूं। तो यहां पर जिन कैंडिडेट को अभी तक ये जानकारी मालूम नहीं हुई है कि जो आपकी एग्जाम की डेट है वो अब आगे बढ़ा दी गई है, बट दोस्तों कुछ कंफ्यूजन आपके अंदर ये भी क्रिएट किया गया है यूट्यूब के ऊपर जो अन्य वीडियो डाली है अन्य चैनल ने कि जो आपका सिलेबस है या एग्जाम पैटर्न है वो भी चेंज किया गया, बट ऐसा नहीं है। आपका एग्जाम पैटर्न जो आपकी रूल बुक के साथ में निकाला था और सिलेबस जो आपको बताया था वही होने वाला है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। बट यहाँ पर दोस्तों बात करें आपके एग्जाम डेट की, ये जो आपकी पहले एग्जाम डेट थी वो आपकी 6 मार्च 2021 रखी गई थी, बट ये उसके अकॉर्डिंग रखी थी कि आपकी डेट फॉर्म भरने की अंतिम 30 जनवरी 2021 थी, बट आपकी डेट 11 फरवरी 2021 कर दी गई थी। तो ऐसे में यहाँ पर इन्हें आपकी जो एग्जाम डेट है ये भी बढ़ानी पड़ी, जो कि अब 6 अप्रैल 2021 कर दी गई है, यानी कि 6 अप्रैल 2021 से आपके एग्जाम किए जाएंगे। अब आपका एक सवाल ये भी है कि जो आपका एग्जाम है वो ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा। तो यहाँ पर अभी तक जानकारी निकल के आई है उसके अकॉर्डिंग आपका एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है। और ये जानकारी जो मैंने आपको एग्जाम के बारे में दी है ये मैंने आपके जो कमेंट आए थे, जो मैंने सिलेबस की वीडियो बनाई थी उसके ऊपर, उसको कंसिडर करके दी है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो ये आपकी सिलेबस की वीडियो है जिस पर आपने काफी सपोर्ट दिखाया है, इसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट सिलेबस की जानकारी दी है। तो अगर आपने अभी तक सिलेबस के बारे में नहीं जाना है तो आप ये वीडियो वॉच करके जान सकते हैं, यहां पर आपको डिटेल्ड में सभी जानकारी दी गई है। इसी के ऊपर दोस्तों आपका कंफ्यूजन रह गया था निगेटिव मार्किंग के बारे में, मैंने इस वीडियो के थंबनेल में लिखा भी है कि नो निगेटिव मार्किंग, बट फिर भी आपके जो मैंने कमेंट रीड किया उसमें मैंने देखा कि आपके लगातार सवाल ऐसे ही है कि सर ये बताइए निगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, इसी वीडियो में क्लियर कर देता हूं कि इसके अंदर आपकी कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, यानी कि यहाँ पर जो आपके अंदर तुक्का मारने की एक अद्भुत कला होती है आप उसका खुलकर प्रदर्शन कर सकते हैं, आपको कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है, यानी कि इसके अंदर निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब दोस्तों आपके मन में सवाल ये है, और जो मैंने कमेंट अभी रीड किए उसमें मैंने देखा कि आपने बहुत सारे कमेंट के माध्यम से पूछा कि प्रिपरेशन कैसे करें, कहाँ से करें, कौन सी बुक बेहतर रहेगी। तो मैं आपके लिए यहाँ पर अब एक अच्छी बुक फाइंड करके लाया हूँ और इसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो ये जो आपकी बुक है ये आपकी चक्षु की तरफ से है, इसमें यहाँ पर कांस्टेबल जीडी रेडियो दोनों के लिए आपकी बुक काम आएगी, इसमें आपको संपूर्ण जानकारी दी गई है। 3 आपको सोल्ड पेपर मिलेंगे, 3200 प्लस आपको ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे। इसमें आपको पूरी डिटेल यहाँ पर अच्छे से दी गई है, आप यहाँ पर जो उसका एक शॉर्ट प्रीव्यू है वो देख सकते हैं आपको इसमें क्या क्या मिलने वाला है। तो ये बुक मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट है, अगर आप मेरे से पर्सनली पूछोगे जो कि मैंने इसको रिव्यू किया है उसके अकॉर्डिंग, तो मेरे लिए ये सबसे बेस्ट बुक है। आप यहाँ से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, आपको इसको बाय करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हो आप इसको बाय कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों यहां पर जो दूसरी मैं आपके लिए बुक लेकर के आया हूं ये आपकी प्रैक्टिस सेट को लेकर के, क्योंकि जब आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो उसमें जो प्रैक्टिस सेट है वो भी एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इसमें यहां पर आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जिसमें कि आपके 20 प्रैक्टिस सेट होंगे, 3 सोल्ड पेपर होंगे और अलग से आपको 2100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि काफी सारे होते हैं, यानी कि अगर आप इस बुक को भी अच्छे से कवर कर लोगे अपनी प्रिपरेशन करते वक्त तो तब भी आई होप आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आपको चीजें ही ऐसी बेस्ट और बेस्ट दी जा रही है जो कि आपके काम की चीजें, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं ऐड किया है कि हाँ फालतू की चीजें यहां पर दी गई है, आपको अच्छे से अच्छी जानकारी यहां पर इस बुक के अंदर दी गई है। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग तो ये बुक सबसे बेस्ट है, क्योंकि मैंने काफी टाइम लेकर के, आप देख लीजिए कब मैंने सिलेबस की वीडियो बनाई थी और कब मैं आपको बुक के बारे में बता रहा हूं, मैंने जितने भी कमेंट आए थे सबको यही बोला था कि जब मुझे अच्छा लगेगा कि बुक आपके लिए ये बेस्ट है, क्योंकि उस वक्त बुक आनी स्टार्ट ही हुई थी। अब यहां पर बुक आ चुकी है, काफी सारे जो पब्लिकेशन हाउस है उन्होंने अपनी अपनी बुक लॉन्च की है, तो उनमें से ये बुक मुझे अच्छी लगी इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इसको बाय कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये बुक आपके काम की है तो आप इसको ले लीजिएगा, मेरी तरफ से आपको यही सबसे बेस्ट बुक में प्रेफर कर रहा हूं। अब आपके ऊपर है कि आपको इसके माध्यम से प्रिपरेशन करना है या नहीं करना।
करना है। बट आई होप आपको ये बुक पसंद आएगी। अगर आप इसको एक बार रिव्यू करोगे, आप देखोगे, तो आपको पूरी जानकारी यहाँ पर जानने को मिल जाएगी। तो यही थी दोस्तों एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2021 के बारे में लेटेस्ट जानकारी जो कि मुझे आप लोगों को देनी थी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।